स्मोक्ड बटर चिकन, आई थिंक डिस्क्रिप्शन में तो आपने सबने पढ़ ही लिया होगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले अनियंस को कट करके छोटे से पीसेस में, और इसके बाद मैंने ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंडर में डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लिया। स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलती है, इसलिए आप उसको कवर करके एक साइड में रख दें, क्योंकि इससे आपकी आँखें जलती हैं। मैंने 1 kg चिकन ली है बोनलेस, उसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ। और मसालों मैंने ऐड किया है हल्दी, मिर्च, गर्म मसाला, नमक, चिलीस और सिनेमन स्टिक्स और इलायची, कार्डमम। एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, चूल्हा जला है और हीट किया है मैंने अपने ऑयल को, और इसके बाद मैं 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ और उसको थोड़ी देर फ्राई कर रही हूँ जब तक इसका कलर गोल्डन होता है। अब ऐड कर रही हूँ मैं अनियन पेस्ट जो मैंने पहले से पीस के रखा हुआ था, और इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे हम मीडियम फ्लेम में जब तक इसका कलर चेंज होता है। इसके बाद आप बोनलेस जो आपने मैरिनेट चिकन रखी थी उसको आप ऐड कर दें, और उसको आप लोग फ्राई कर लें इसके इस पेस्ट के साथ। लेकिन इसके अंदर मैंने एक पहले से धनिया के साथ इसको ब्लेंड करके पहले से रखा हुआ था, इट्स काइंड ऑफ रायता, और इससे एक बहुत मुंह में धनिया भी नहीं आता है और एक फ्लेवर धनिया का आ जाता है, एक अच्छा सा कलर आ जाता है। तो सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि चिकन के साथ ये पक जाए और अच्छा सा चिकन में एक फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। चम्मच मैंने टोमेटो पेस्ट ऐड किया है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसके अंदर, और रेड चिलीज हटा के बाकी मैंने सिनेमन एंड कार्डमम भी ऐड कर दिया इसके अंदर। थोड़ा सा हाफ कप ऑफ बटर को इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इसको थोड़ी देर अब स्लाइटली मिक्स करके इसको पकाने के लिए छोड़ दे रही हूँ। से हम इसको पकाएंगे, और इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल आप मेक श्योर करो कि लो फ्लेम में हो ताकि आपका खाना जल ना जाए। आफ्टर 15 मिनट्स आप देखो उसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, और एक अच्छा सा एक ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ऑफ मिल्क। मिल्क रेडी, लेकिन सिर्फ दूध डालने के बाद उसको 5 मिनट्स तक और पकाएंगे। छोटू सा फ्राई पैन ले रही हूँ, और इसमें मैं बटर का तड़के की तैयारी कर रही हूँ। बटर ले रही हूँ सबसे पहले, उसको थोड़ा सा मेल्ट करूँगी और करी पत्ती डालूँगी और होल चिली डाल रही हूँ। उसको थोड़ी देर में फ्राई करके और उसको बस सिजल कर दूँगी बटर चिकन के ऊपर, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट रेडी। आई एम सो सॉरी, इसको मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकी। मैंने एक कोयले को आग में गर्म करके और इसको मैंने एक स्मोक्ड फ्लेवर देने के लिए मैंने किया था, लेकिन वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, आप वो कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने सर्विंग डिश में मैंने एक निकाल लिया है, आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आई होप यू लाइक वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ थम्स अप बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन, एंड रिमेंबर टू सब्सक्राइब आवर चैनल SYZ फैम। जज़ाकअल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।